ये इसके साथ में बाकी बहुत सारा था ना। हरिओम, तो स्वागत है आप सबका है मेरे चैनल में। और मैं हूँ HP मांचल, डिस्ट्रिक्ट मंडी के एक छोटे से गांव से। तो चलो आज के दिन की शुरुआत करते हैं। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह ही घर से, और इसको मैंने तब पकड़ के रखा है, जाके उधर कैमरा गिरा दे तो टूट फूट जाएगा। और सबसे पहले चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। और आज का मौसम, सुबह ही मैंने कुछ एक क्लिप ली थी और अभी तो धूप भी लग गई। अपनी ड्यूटी अपने पशुओं को लेकर, चलो फिर चलो चलो चलो। तो आज का मौसम कुछ इस तरह से बिल्कुल साफ, और सुबह सुबह जो ना बहुत अच्छा लगता है सुबह ही उठ के, और बाद में धूप लगती है तो मतलब अजीब जैसा ही लगता है। अभी धूप वहाँ पे जाके, और यहाँ पे देखो इनसे मिलो सुबह सुबह, इससे मिलो और एक इस जीनू से मिलो। और मम्मी जला रही यहाँ पे हमाम में आग, जो कि मेरे से जलती नहीं है। बड़ी ताई लगी यहाँ पे सुबह सुबह ही बर्तन धोने। तो आज मेरा जाना हो गया कैंसिल, तो मेरे को रख रहे घर में खाना बनाने के लिए, तो आज मैं घर में बैठ के खाना बनाऊंगी। बाकी और तो काम आजकल कुछ है नहीं, शाम के टाइम होता है जब हम खेत में जाते तब। तो आज बना रही हूँ मैं फाफड़े की सब्जी, और ये पक के तैयार हो गई, बस अब तड़का लगाते हैं। और सुबह सुबह जो मेरे से खाना, मतलब ब्रेकफास्ट ही नहीं किया जाता, सुबह खाने की नहीं होती, सुबह की मेरे को तो दिन को भी नहीं होती है, फिर भी जबरदस्ती खा ही देती हूँ। पहला ही मैं हल्की तायरे करे, फिर हमारी या फिर बड़ी तायरे करे, जो सामान में लोड़ी था से मुझे मिल लिया नहीं है। तो एक कमेंट पढ़ा मैंने, उसमें बोला गया कि हाँ और भी बोलते कि आप अपनी पहाड़ी में ब्लॉग बनाया करो। पहाड़ी में तो मैं बना दूँ, पर सबको नहीं ना आएंगे जो पहाड़ी, सिर्फ उनको ही आएंगे। और बाकी बताओ किस किस को समझ में आया कि मैंने क्या बोला। और मेरे को अभी कपड़े भी धोने हैं, बाकी बाद में जैसे धोते। और मैं घर में बोर हो रही हूँ, मैं घर में बोर हो जाती हूँ, और कोई नहीं है घर में, मैं हूँ बस। तो आज का दिन को होता है बस सोने का काम धूप में, और मौसम का आजकल रत्ती भर भी भरोसा नहीं होता है। अब भी जो है धूप लगी थी, और अब जो है बारिश के छींटे भी स्टार्ट हो गए, और ऐसा लग रहा बहुत ज़्यादा बारिश होगी। और यहाँ पे चला हुआ है काम, तो आज यहाँ पे छोटी ताई बैठे है धनिया निकालने। तो ऐसा हो रखा है मौसम, और ये रहा शाम का व्यू। अभी धूप तो गई नहीं है, पर मौसम खराब है तब करके ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं शाम हो रही है। ये हमारी सुरीले टाइसू, इधर देखा टाइसू ना। तो यहाँ पे हमारे दूल्हे राजा तैयार हो गए बैठ के, ये टावल ऐसे ही डाला है इस पे, लेकिन ये बैठा है बड़े आराम से। टाइसन उठ उठ, तो चलो टाइसन उठ जा, इसको नहीं फेंकना है, इसको ऐसे रखना है। ये तो गलत बात है, जब तक मैं घर में थी तब तो मतलब तब तक बारिश रुकी हुई थी, और जैसे मैं खेत में जा रही हूँ बारिश स्टार्ट हो गई है, बस मैंने आलू ही तो लाने हैं। अब यहाँ पे जाके मम्मी ने कहा ये तो यहाँ पे रखे हुए, निकाल के रखे हैं। मम्मी ने निकाल के रखे थे, और
इस साल की नई फसल ये आलू की और पहली सब्जी खा रहे हम इस वाले खेत की, और इसको बोलते हम अपनी पहाड़ी में फरंगी आलू, विदेशी आलू। तो ये बीजी थी हमने यहाँ पे मूली, जो कि पूरी खराब हो चुकी है। पहले इसमें फूल लग गए जल्दी, और नीचे मूली कुछ भी नहीं है, बस ये घास ही हुआ है और कुछ भी नहीं। तो ऐसा हो जाता है बहुत बारी, हम किसी जगह पे इतनी मेहनत करते हो, होती नहीं है, पर हार नहीं माननी है, करते रहो एक बारी तो हो ही जाएगी, है ना। इस बारी नहीं, अगली बार हो जाएगी। बाकी यहाँ पे दोते बार बढ़िया ना, यहाँ पे चला इन तीनों का मैच। क्या तू देखा है भाई बोले? तो अगला दिन स्टार्ट हो गया। पिछले कल मैं घर में थी और आज जा रही हूँ उनको लेके, बस अभी अभी घर से निकले, तो चलो चलते साथ में, टाइम सुबह दौड़ा हुआ है। तो चलते चलते मैं ऐसी जगह पे पहुँच गई, वहाँ पे मुझे एक चीज़ देखी, चलो आपको भी ले चलती और दिखाती कैसी जगह पे और इतनी ज़्यादा फायदेमंद चीज़ मिल गई मेरे को। ये देखो, ये यहाँ पे इतना सारा ऐसा ही होता है ये पानी में। पहले हम गेंद बनाया करते थे इसकी, देखो इतना सारा यहाँ पे, तो नाले में ऐसा ही होता है। ये लाया मैंने वहां से निकाल के, और ये हमारे शरीर के लिए इतने फायदेमंद है कि हमें पता ही भी नहीं है, और मेरे को पता नहीं था इसको खाते, मेरे को भी किसी और ने बताया, और मैं कह रही हूँ पागल होगी इसको कौन खाते, ये खाने की चीज़ नहीं। और फिर मैंने खुद फ़ोन में देखा, फिर मेरे को बहुत सारी वीडियो मिली इसकी, और लोग तो तड़का लगा के भी खाते इसको। पर एक चीज़ आपने नोटिस की है कभी, जो चीज़ मतलब हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो या कुछ भी, वो टेस्ट लेस ही होती है, उसमें स्वाद ही नहीं होता है। अगर ये चीज़ टेस्टी होती तो खाते हम, है ना, पर कौन ही खाएगा इसको, मैं तो कभी खा ही नहीं सकती चाहे कितना भी हो। पर कुछ लोग ऐसे हो खाते, बड़े कैसे खाते हो, बड़े चाव से खाते हैं, और क्या, तो ये समझ में नहीं आ रहा खाते कैसे होने इसको भाई। ये नाले में बहुत पाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा, और टाइसन ने तो हजम भी कर लिया। मैं नहीं खा सकती भाई, पर हम बचपन में ऐसे बॉल बना के जरूर खेला करते थे। देखो पानी कितना आता है इनमें, और ये एकदम सॉफ्ट होते हैं, जैसे रूई होती है ना वैसी। मजा आता है इनको छोड़ने का। और यहाँ पे देखो टाइसन दिख रहा बड़े ध्यान से, यहाँ पे देख रहा खाने ले 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 खा ले, गुड, स्वाद ही नहीं है, खा जा अच्छी चीज है। चलो मैं खाऊं यहाँ पे आराम से बैठ के, और बहुत सारे
लकड़ी घास आ गई इसके साथ में, वहाँ पे बहुत सारा था ना। मैं नहीं खा सकती सच में, चाहे कैसे कैसे खाना है, खा कैसे सकती इसको, पर खाने की चीज है जो मेरे तो मुंह में डालने की इच्छा नहीं हो रही है, खाने की तो दूर की बात है। तो मेरे से तो नहीं खाया जाएगा ये, बाकी ये बताना किस किस को पता था कि इसको खाते, और कौन कौन मेरी तरह था जिसको पता ही नहीं है इसको खाते भी है, ये चीज भी है जिसको खाते। खैर चलो निकलते, टाइसू आ जा, बाकी खेलने के काम आएगा मेरे और टाइसन के, और क्या ही कर सकते, खाया तो नहीं जाएगा। ठंडा ठंडा पानी तेरे हाथों के, टाइसन जाने दे, मत सही जा रहा था ये, लगा पता, इतना प्यारा नेवला टाइसन। टाइसन धूप लगी है, आज यहाँ पे आ जा, उठ तो अब चली, ठंडी ठंडी हवा, मजा आ रहा है टाइसन के साथ, नहीं तो धूप लग रही है दोनों को। ये थकन होता है इसका, ऐसे देखना, ला जल्दी ला, दे, 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 छोड़ो वा टाइसन छोड़, पत्थर दे लो, आ क्या गंदगी है, धूप ही हो रही है। तो अब देखना मैं जिनू का नाम लूंगी और टाइसन कैसे ढूंढता है उसको। जिनू, जिनू कहाँ पे, ये जिनू, जिनू जिनू इधर है, देख जिनू इधर है, जिनू जिनू यहाँ पे देख, चाचा जिनू 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 देख ही नहीं रहा है, कहाँ है जिनू, कितने लो, मजा आ रहा है अब हवा में, सोचो सोचो। तुम्हारे जिनू साहब भी पधार चुके हैं यहाँ पे, टाइसन आने दे इसको, जिनू टाइसन आने दे ना इसको, आने दे यहाँ पे, एक मिनट रुक जा, जिनू आ जा, आ जा जिनू, आने दे इसको, रास्ता तो छोड़, टाइसन कम आज यहाँ पे, आजी जिनू, मेरे देवा मेरे देवा, ये कहाँ था गया, कहाँ था ये, ये मिलने दे तब तो मिलेगा ना जिनू, ये ले रहा है इसकी बारी, गया कहाँ था, हमारे साथ में क्यों नहीं आया, टाइसना हो गया हमारा, बख्श दिया अब इसको, हटो मैं तो चली, बैठो दोनों ही। तो चलो अब चलते थोड़ा ऊपर, जैसे रोड में मम्मी लगे वहाँ पे भिड्डू और वो चारा, और वो गए लिंगड़ बेचने के लिए, बाद में जाएंगे वो खेत में शायद घास लाने के लिए, मैं मेरे को बोला था थोड़ी देर बाद आना तू देखना इनको, तो अब जा रही हूँ मैं। क्या क्या डाला हुआ टाइसन, तो यहाँ पे इन्होंने लिंगड़ दे भी दी, अब पैसे बांटे जा रहे हैं, मौसम भी देखो कैसा हो गया खराब, कितने री 200 की लिंगड़ बेची, 100 चपाटी, सिर्फ मेरा ऊपर तक जाना ही जाना हुआ, वो सब गप्पे मारने बैठ गया और टाइम उधर ही निकल गया, फिर बोला चल अब घर, अब जाके क्या करना, तो ठीक है चलो चलते अब घर ही, ए नहीं छोड़ते मम्मी का पीछा, बस जहाँ भी जाए पीछे पीछे। तो यहाँ पे चला है काम लकड़ी काटने का, क्या ना तेरे को दिया ना मैंने,
हट जा पीछे, तो इसको आता जा रहा, इसको पिला रही हूँ मैं दूध, मैंने सुबह पिया नहीं है, मेरे जीप में छाले आ गए, नहीं तो ज्यादा आएंगे, अभी इसको पिलाती हूँ। टाइसिया दिया तो दिया मैंने आपको, ऐसे पीने दे अबा। इसको दिया था मैंने सबसे पहले, रुक 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 रुक, मुझे चारा डारा। तेरे को रोटी देती मैं, अब रुका, खत्म, ले ले। और मौसम ने भी अपनी करवट बदल दी है, बारिश कभी भी हो सकती है। और यहाँ पे भी चला हुआ है काम, छोटी ताई लगे काम करने, पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है ऊपर। यहाँ पे देखो जो मैंने दिखाया था ना, ग्रीन ग्रीन हरा हरा, तो उसे बोलते हैं हम अपनी पहाड़ी में शिवाल, और बाकी मेरे को नहीं पता हिंदी में क्या बोलते, बस मेरे को नाम याद ही नहीं रहता है। मैंने मम्मी से पूछा अब जाके, तब जाके मेरे को पता लगा कि शिवाल, अब मैं याद रखूंगी शिवाल। और मेरे को ऑर्डर आ गया कि आग जला, तड़का लगा, खाना बना जल्दी जल्दी, तो चलो अब खाना बनाते। और मम्मी पीछे उन दोनों को चरा रहे, और साथ में पता नहीं कुछ काम करना होना खेत में। फिर ब्लॉग को रखते इतना ही, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, और चैनल को करना है सब्सक्राइब, और सामने बाकी वीडियो के लिंक आ रहे। फिर मैं मिलूंगी नए दिन और नए ब्लॉग के साथ, फिर